Fever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। उन्होंने कहा कि 5 लोगों की जूरी ने एक मत से ये फैसला लिया है। ये खबर के बाद से ही फैंस से लेकर सेलेब हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार सभी लोगों को समय समय पर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड महानायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बहुत खुशी है। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने जूरी मेंबर में शामिल आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन, विश्वजीत चैटर्जी जैसे प्रतिष्ठित लोगों का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि रजनीकांत को 91वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। बता दें कि साउथ में रजनीकांत को थलाइवा और भगवान कहा जाता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।